अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब बिल्कुल फिट होंगे। और आज का जो व्लॉग है, आपको समझ लग गई होगी थंबनेल से कि आज मैं क्या करने लगी हूँ। उसमें मुझे ना ज़िंदगी का सबसे मुश्किल तरीन जो काम लगता है ना, आज वो इस व्लॉग में होने लगा। अलमारी की वो बुरी हालत थी ना कि मैं सुबह से लेके ना शाम तक, आज पूरा दिन जो है ना, मैं रात से व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। रात के 2 बजे मैं यहाँ कम रूम में ना कपड़े आयरन कर रही थी। बाहर ना हल्की हल्की बारिश हो रही थी, जिधर हमने ना इस्त्री स्टैंड रखा होता ना वहाँ पे। फिर मैंने क्या किया, मैं ना लेकर जो है ना अंदर आ गई और ना रूम में मैंने सेट कर लिया। मैंने कहा यहीं पर ना सब वीडियो भी सही बन जाएगी, तो यहीं पर। तो आज मैं सुबह से ना यही काम कर रही थी, सुबह से ले कर शाम तक मेरा सारा टाइम इसमें गुजर गया। और सब और कौन कौन है जिसको सबसे मुश्किल काम जो है ना अलमारी सेट करना, कपड़े तय करना लगते हैं और कपड़े प्रेस करना। मुझे कपड़ों के काम से बड़ी जान जाती है। मैंने सोचा कि चलें इसी बहाने जो है ना आपके साथ थोड़ा सा मैं शेयर कर लूँगी। तो ये ना मेरे 5-6 सूट ऐसे हैं, अक्सर इस तरह होता है कि पप्पू वगैरह का और मम्मा वगैरह का अक्सर प्लान बन जाता है कहीं जाने का, तो फिर मुझे जो है ना बड़ी गालियाँ पड़ती हैं कि तुम लेट कर आती हो, हर जगह से लेट कर आती हो, ठीक है ना। तो मैंने ना इसीलिए ना अपने ना पहले ना जो है ना लॉन के जो 5-6 सूट है ना, वो ना आयरन करके ना इनको इस्त्री करके तो हैंग कर दूँगी अलमारी में, ताकि उस टाइम फिर यही होता है ना, मेकअप तो हम गाड़ी में भी कर लेती हूँ अक्सर मैं, होता है कि अक्सर अगर अलमारी में मेरा कोई सूट इस्त्री हुआ पड़ा हो ना, तो मैं बस वहाँ से पहनती हूँ अगर इनका अचानक फ़ोन आ जाए कि चलो आ जाओ। और जो है ना मैंने अपने ना बैग में कोई ना कोई लिपस्टिक्स या मेकअप की थोड़ी बहुत चीज़ें रखी होती हैं, वहाँ जाके तो ऑन करके ना फ्रंट कैमरा और मोबाइल का, तो जो भी हल्का फुल्का होता है ना मेकअप कर लेता है। तो इस तरह जो है टाइम भी बच जाता, वरना मुझे इनसे बड़ी गालियाँ पड़ती हैं कि तू सानू लेट करानी है हर जगह, तो तेरी तैयारी नहीं मुकदी। बस आपको पता ही है, बड़ा फिर मुझे सुनने, फिर मुझे उस टाइम गुस्सा चढ़ जाता, फिर मेरा पूरा जो दिन है ना मेरा लड़ाई में ना वो सारा मूड मेरा ना ऑफ हो जाता है। इसीलिए मैंने ना सोचा कि आज ना मैं इस काम को नबेड़ ही छड़ा। बड़ा ही औखा काम है ये, बड़ा औखा, मुझे बड़ा ही मुश्किल काम लगता है, मुझे मेरी जान जाती है कपड़े इस्त्री करने से। और जब बतीका होती थी ना यहाँ पे, तो मेरी अलमारी देख के कहती थी तोबा तुम्हारी कितनी गंदी अलमारी, इतनी बातें सुनाती थी मुझे मेरी अलमारी की वजह से, इतनी बातें सुनाती थी ना। तो मैंने कभी भी ना अपनी अलमारी किसी को नहीं दिखाई, क्योंकि उसका जो अंदर से जो हाल होता है ना, आप सबका भी यही होगा मुझे ये पूरा यकीन है। बहुत कम लोग होते हैं जो बड़े डिसेंट ना, बड़े पढ़े लिखे लोगों की अलमारी जो है वो ठीक रहती है, बड़ी ऐसे डिसेंट सी अलमारी सेट हुई होती है। मेरी तो नहीं होती, जितनी मर्ज़ी ठीक कर लो, कल फिर देखना। कल एक चीज़, अच्छा मैंने पूरी अलमारी पूरा दिन लगा के साफ़ करनी है ना, लेकिन आप देखना अगले दिन मैंने एक चीज़ ही ऐसे खींचनी है ना, वो सारी सारे कपड़े जो है ना उधम उधम जो है ना उनके बस इधर की उधर हो जाने, सारी अलमारी वापस वैसी की वैसी हो जानी है। बहरहाल जी, मैं यहाँ पे सारे कपड़े इस्त्री वगैरह कर रही थी, अपने ड्रेसेस वगैरह मैंने कहा आपको भी दिखाती हूँ, तो अभी आयरन करके आपको मैं इसके तफसील से दिखाती हूँ सारे कपड़े, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ था कि मैंने सारे कपड़े आयरन करी थी, मेरी जो रिंग लाइट थी ना, वो जो मैंने पावर बैंक के साथ उसकी लाइट को किया हुआ था स्विच को, वो क्या हुआ कि वो मेरी बैटरी उसकी डाउन हो गई, तो फिर मैंने जो है ना बंद कर दी वीडियो। और मैंने कहा चलो अब मैं आयरन करके ना कमरे में जाकर ही तब तक इसको चार्ज कर लेती हूँ, तब तक आयरन करके तो फिर मैं तफसील से ना सारे दिखाती हूँ। अच्छा क्या होता है कि यहाँ पे मॉल्स वगैरह में मैं बहुत ज़्यादा, आप देख रहे हैं कि सादे से कपड़े, ठीक है, बहुत ज़्यादा कोई वो नहीं है, क्या कहते हैं उनको, शौक़ से और बहुत ज़्यादा ओवर नहीं है, मुझे इतना अच्छा भी नहीं लगता। मैं अगर मॉल में बहुत ज़्यादा साजी संवर के चली जाऊँ ना, तो मुझे ऑकवर्ड सा फील होता है कि शायद मैं पेंडू लोग जो होते हैं ना, मुझे वो लगता है कि शायद मैं वैसी लग रही हूँ या पता नहीं मैं क्या लग रही हूँ ना। तो मुझे इस तरह अच्छा लगता है कि सिंपल सा आउटफिट हो, उसके ऊपर आपने लाइट सा मेकअप किया हो, बाल बांध लो उसको या खोल लो उसके ऊपर, तो उसके बाद फिर जो है ना आप बड़े डिसेंट से लगते हो और आपको शॉपिंग करने में भी आसानी होती है, आप ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होते ज़्यादा भारी आउटफिट्स पहन के अगर आप शॉपिंग पे चले जाओ, ठीक है। तो ये एक तो इंसान डिसेंट लगता है, दूसरा इजीली जो है ना आप घूम फिर लेते हैं, ठीक है। जितना आप ईजी हो के कैजुअल जाते हैं ना किसी मॉल में या कहीं पर भी अगर आपने घूमना होता है, तो मेरा तो यही होता है कि ईजी से कपड़े पहन के जाओ तो आप अच्छे लगो, ठीक है ना, अच्छे भी लगो और आप आसानी से घूम फिर लो।
ये ना मैं कर रही हूँ प्रेस, इसके साथ ना प्लाजो है, ये इतना खुला है कि मैं जब पहनती हूँ ना एक बार तो बंदा थोड़ा थोड़ा लल्लाई लगता है ना। तो देखिए जी, मेरे जो है ना 5 से 6 के 7 सूट जो है ना मैंने फ़िलहाल इस्तरी करके रखे हैं, ये वो हैं, मैंने कहा फ़िलहाल कर लेती हूँ, बाकी जो है ना मैं फिर किसी दिन करूँगी, ठीक है। बाकी जो है ये मेरे वो हैं जो मुझे अचानक बाहर जाना पड़ जाएगा तो मैं पहन लूँगी। अच्छा, ये जो है ये लाइट सा पिंक सा कलर है, ठीक है, पीच सा है। वीडियो में जो है अक्सर कलर जो है थोड़े बहुत डिफरेंट भी शो होते हैं, ज़्यादा डार्क या पिंक शो होते हैं, ठीक है। इसके साथ बिल्कुल सिंपल सा था, ठीक है, ये है डार्क शॉकिंग कलर। इसके ऊपर जो है मैंने बटन सिंपल से लगवाए हैं, बिल्कुल सिंपल से मैंने स्टिच करवाए हुए हैं, ठीक है। और ये बड़ा सिंधी सिंधी सा ना बड़ा प्यारा सा लगता है। और साथ इसका दुपट्टा है लॉन का, ठीक है, सारे लॉन के हैं। ये जो है ये भी बिल्कुल ज़्यादातर आपको पिंक पिंक ही नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये पिंक सा है और इसके अंदर जो है प्रिंट हुआ हुआ है, ठीक है, छोटे मोटे फूल बने हुए हैं इस तरह। और इसके साथ ना जो इसके अंदर फूल बने हुए हैं ना उसके साथ उन्होंने ट्राउज़र को ना मैच किया हुआ है, पिंक सा या वाइट नहीं किया हुआ। मेरा ख्याल ये था कि इनको उसके हिसाब से करना चाहिए था ना, लेकिन उनके दरमियान इसके अंदर जो बिल्कुल प्रिंट के अंदर फूल से बने हुए थे ना उन्होंने उसके साथ मैचिंग करके प्लाजो बनाया था। ये मुझे इनकी कोई बेतुकी समझ नहीं आई। अच्छा, ये मुझे सबसे प्यारा लगता है, ये जो है ये बिल्कुल मस्टर्ड सा कलर है, येलो येलो कलर है, मस्टर्ड सा, साथ ना मस्टर्ड और येलो जो मिक्स है साथ। इसके ऊपर जो है उन्होंने कढ़ाई की हुई है इसके फ्रंट पे, ठीक है, और उसके साथ जो था दुपट्टा बहुत खूबसूरत है, लेकिन दुपट्टा जो है अभी अलमारी में घुसा हुआ है तो वो मैं किसी दिन निकालूंगी तो दिखाऊंगी। ये जो है ये डार्क शॉकिंग कलर है, ठीक है, लाइट सा पर्पल कलर जो है ना, साथ उन्होंने उसके अंदर जो है ना प्रिंट किया हुआ है, ठीक है, और उसके साथ जो था प्लाजो था। ये है मेरा येलो कलर का है, ठीक है, इसके साथ मैंने जो फ्रॉक बनाया हुआ साइड पर मैंने चुनटे डलवाई हुई हैं हल्की सी, ठीक है, कलियाँ जो होती हैं वो डलवाई हुई हैं। और जो है ना इसके ऊपर भी इन लोगों ने ना तिल्ले का जो होता है ना हल्का हल्का तिल्ले की कढ़ाई वो की हुई है इन लोगों ने, ठीक है, एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, ठीक है। और जो है इसको मैंने इस तरह सिलवाया, वसाद जो है इसके ट्राउज़र है, ट्राउज़र नहीं कैपरी, ना कैपरी है ना ट्राउज़र है, जो खुला खुला थोड़ा सा पजामा होता है ना उस टाइप का। और ये साथ इसके जो है ना शिफोन का दुपट्टा है, तो शिफोन के दुपट्टे मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, जो है ना लॉन के उनको ज़रा कैरी करने में थोड़ा मुश्किल सा हो जाता है, इकट्ठे हो जाते हैं ना बार बार। ये है इसके ऊपर ना ज़रा मोरनी मोरनी सा काम हुआ हुआ है। और ये इसी क्या कलर है यार, ये ब्राउन सा है, पीच सा कलर है ब्राउन सा। और इसका जो ट्राउज़र है ना इसके ऊपर बहुत खूबसूरत इन लोगों ने ना काम किया हुआ है, तो मुझे इसका ट्राउज़र की वजह से ना ये पूरा सूट बड़ा पसंद है, ठीक है। तो ये थे मेरे जी कपड़े, आई होप कि आप सबको बहुत अच्छे लगे होंगे, ठीक है, सिंपल से थे। और अगर आपको अच्छे लगे तो वीडियो को आपने लाइक और शेयर ज़रूर करना, ठीक है। ये जो है मेरा, ये मैंने बहुत बार पहन चुकी हूँ, इसके लिए मुझे बड़ा पसंद है अपना ना ब्लैक। ज़्यादातर जो मेरी कलेक्शन है ना, अगर आप नेक्स्ट टाइम अगर आपको मैं पूरी अलमारी दिखाऊंगी तो आपको ब्लैक ही मेरे कपड़े मिलेंगे, ठीक है। इसका जो दुपट्टा है ना ये बहुत खूबसूरत है, इसकी कमीज़ के ऊपर भी ना हल्का सा ना तिल्ले का काम किया उन लोगों ने ना, एम्ब्रॉयडरी जो है ना इसके गले पे वो ना लाइट लाइट सी वो जो होती है वो किया हुआ है, साथ इसका दुपट्टा है। तो इसको जो है ना अब मैं जल्दी से हैंग कर देती हूँ अलमारी में, मैंने बड़ी मुश्किल से जगह बनाई थी क्योंकि पहले ऑलरेडी काफ़ी सारे कपड़े बीच में लटके हुए थे, लेकिन ये है कि वो जो थे ना वो ज़्यादातर जो पार्टी वेयर और जो होते हैं ना शादी वगैरह शादी ब्याह वाले वो सारे कपड़े हैं, तो इनको जो है ना बस मेरा बड़ा मुश्किल काम था, मैंने कर लिया इसको और शुक्र है कि हो गया, बस मेरी जान छूटी और मेरा पूरा दिन आज इस काम में ना लग गया। और जिसमें से अलमारी में से ना मैं सोच रही हूँ कि जो पुराने कपड़े हैं ना थोड़े बहुत जो मैंने नहीं अब पहनने उनको जो है ना मैं निकाल के जो है ना एक साइड पर रख देती हूँ। बहरहाल जी, वो काम तो निबड़ गया हमारा, ठीक है। तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको सबसे अच्छा जो है मेरा ड्रेस कौन सा लगा है। बिल्कुल सिंपल लॉन के सूट्स हैं, ठीक है, ये उनके लिए, ये वो मेरे यहाँ जो मुझे अक्सर बाहर जाना पड़ जाता तो पहनने पड़ जाते हैं, ठीक है। बिल्कुल मैंने आपको अपनी पूरी अलमारी का भी विज़िट नहीं कराया, ठीक है, वो किसी दिन फिर करवाऊँगी आपको। ये बस मैंने आपको जो कैजुअल ड्रेसेस होते हैं ना ये मैंने आपको वो दिखाए हैं, तो अगर आपको अच्छे लगे तो आपने मुझे ज़रूर कमेंट में बताने कि कैसे हैं। यहाँ पे ना आज मैं जो ना बना रही हूँ, यहाँ पे ना मेरी मम्मा ने, मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ भिंडी, प्याज और वो जो भिंडी होती है ना, तो मैं आज ना डाइटिंग पे हूँ थोड़ी सी ना 7 घंटे में मैंने डाइटिंग स्टार्ट की है। तो यहाँ पे ना मम्मा ने कहा कि तुम आज चलो बना लो, मम्मा थकी हुई थी, तो ये है मैंने जो है सिंपल सी तरीके से बनाया है, ठीक है। इसके अंदर मैंने कोई गोश्त वगैरह नहीं डाला,
ज़्यादातर हमने अभी थोड़ी देर बाद बाहर जाना तो हो सकता है हम वहीं से खाएं। तो ये ज़्यादा मैं पापा के लिए बना रही हूँ भिंडी, उनको ज़रा पसंद है। ठीक है, मैंने क्या किया, प्याज को जो है ब्राउन नहीं किया, बस प्याज को फ्राई करके उसके अंदर टमाटर ऐड किए हैं, उसके अंदर मैंने नमक ऐड किया है और काली मिर्च ऐड करूँगी। ठीक है, गर्म मसाला ऐड करूँगी, साथ सूखा धनिया ऐड किया है, लहसुन अदरक की पेस्ट ऐड की है और साथ इसके अंदर मैं सुर्ख मिर्ची ऐड करूँगी। ठीक है, इनको अच्छी तरह सारी चीज़ों को डालकर तो मैं ना इनको मिक्स करके अच्छी तरह तो है ना इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालूँगी, ऐड करूँगी और इसको रख दूँगी। इसके बाद मैंने नीचे जाना है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। नीचे जाके मुझे ना थोड़ा सा काम है। हमने ना दो जब से कोरोना स्टार्ट हुआ ना, तब से हमने ना बैडमिंटन खेलना छोड़ दिया था, रैकेट्स वगैरह ना, क्योंकि जाहिर सी बात है सब कुछ बंद कर दिया था, अलाउ नहीं था। तो 2 साल बाद अब ना दोबारा मैंने अपनी फ्रेंड वगैरह को फ़ोन किया कि चलो हम ना दोबारा स्टार्ट करते हैं, खेलते हैं घर बैठ बैठ के। वज़न भी इतना ज़्यादा हो गया, ठीक है, वेट भी इतना ज़्यादा बढ़ गया है ना, तो मैंने कहा चलो हम ना थोड़ा बहुत अब स्टार्ट लेते हैं, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता दोबारा जो है ना अपनी रूटीन में आते हैं। पहले हम बहुत ज़्यादा नीचे जाते थे, खेलते थे ना रैकेट्स वगैरह, टेनिस, उसके बाद जिम भी मैं अपनी फ्रेंड के साथ चली जाती थी। बट कोरोना ने बड़ा मसला जो ना था ना ख़राब कर दिया था। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह के काफ़ी हद तक बेहतरी हो गई है और यहाँ पे अब जो है काफ़ी हद तक उन लोगों ने कंट्रोल कर लिया। अब तो बहुत कम केसेस हैं, बल्कि ना होने के बराबर, और अल्लाह करे कि अब ऐसे ही रहे अब जो है ना। तो भिंडी को जो है ना मैं डन करके नीचे आ गई थी, मैंने फ्रेंड को कॉल कर ली थी, वो भी नीचे आ गई थी। तो मैंने जो है ना अभी रैकेट्स लेने थे, क्योंकि मेरे जो पुराने थे ना उसकी सारी तारे वगैरह निकल आई थी ना, ख़राब हो गए हुए थे। तो यहाँ पे भी मैं देख रही थी कौन से वाले लूँ, तो समझ नहीं थी आ रही, बस यहाँ पर ये डिसाइड कर रहे थे। तो ये वाले मैंने ना ये ब्लू कलर के ना ये वाले लिए हैं रैकेट्स। तो अभी इसके मैं प्राइस वगैरह चेक करती हूँ। वहाँ फिर जाएंगे हम ऊपर, और ऊपर जाके मैं आपको दिखाती हूँ कि हम किस जगह खेलते हैं ना। तो बारिश हो रही है बाहर ना काफ़ी ज़्यादा, बाहर नहीं खेलने देते, ये ना हॉल बनाया हुआ वहाँ पे खेलते हैं। मैं आपका भी हॉल भी दिखाती हूँ। यहीं से हम डायरेक्ट पेमेंट करेंगे। और ये मेरे आगे थे, ये बिल्कुल सस्ते से मुझे मिल गए थे, और तो बहुत ज़्यादा महंगे नहीं थे, 20 रिंगट के मुझे मिल गए थे, 20 रिंगट के ना। और ये देखें ज़रा, यहाँ पर बारिश हो रही थी और हम इतने दिनों बाहर जा रहे थे, हम इतने एक्साइटेड थे ना। और यहाँ पर इन्होंने थोड़ा बहुत चेंज कर दिया हुआ है ना। और तो भाई जो है अभी हमें लॉक खोल के देंगे। पहले तो हमने हमें यहाँ 10 मिनट तो लॉक खुलवाने में लगे, भाई से लॉक ही नहीं था खुल रहा, चाबियाँ ही नहीं थी उनसे लग रही। फिर वो दोबारा गए और दूसरे किसी से पूछ कर आए कि कौन सी चाबियाँ लगनी है। फिर हम अंदर आए, ये देखिए हम इतनी देर बाद यहाँ पे आए हैं ना, 2 साल बाद। मतलब कि हम रेगुलर आते थे, हम वीक में 2 से 3 बार हमने लाजमी खेलते थे, और अगर वीक में अगर हम फ्री होते थे तो हम रोज़ाना आते थे ना। तो इतनी देर हो गई थी यहाँ पे, और जहाँ जहाँ पे हमने वो ऊपर ना वो दीवारों पे जहाँ जहाँ हमने ये चिड़ियाँ मारी हुई थी ना, उधर ही पड़ी हुई थी, अभी तक उधर की उधर ही पड़ी हुई थी, कुछ सफाई साफ़ ही नहीं थी हुए। तो यहाँ पे हमारे ना, मैं आपने देखा होगा मेरी पहली वीडियोस में, यहाँ पे पहले ये मशीन्स वगैरह नहीं थी पड़ी हुई, यहाँ पे ना लोगों ने ना इस तरह मशीन्स वगैरह भी रख दी हैं, लेकिन ओपन एरिया में रखा है ना इन लोगों ने। लेकिन अगर मैंने जिम करना हो तो हम जो है ना वहाँ पे बंद एरिया जो है ना वहीं पर करते हैं जहाँ पर उन्होंने जिम बनाया हुआ है रेजिडेंस का। तो हम यहाँ पर देख रहे थे, बहरहाल मैं ऊपर आ गई, आज काफ़ी मैं थक गई थी। तो लेकिन ये था कि आज मेरा बहुत बिजी डे था ना, काफ़ी बिजी डे था। अच्छा ये देखेंगे है लोरियल की ना SPF 15 डे क्रीम है, ठीक है, ये आप लगाएं, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। आप देख सकते हैं कि मेरे पहले हाथ कितने अजीब लग रहे थे और एकदम कितने स्मूथ और शाइनी से लग रहे हैं ना, आप खुद इसका रिज़ल्ट देखें। तो उसके बाद ना हम रात को ग्रोसरी वगैरह थोड़ी सी करनी थी, घर का थोड़ा सामान ख़त्म था। तो मैं पुप्पो के साथ जा रही थी, मैं मम्मा पुप्पो और उनकी बेटी थी। तो ना पुप्पो को मैं गाड़ी में आई तो ये परफ्यूम पड़ा हुआ था ना, इसकी स्मेल बड़ी कमाल थी, बहुत मज़े की थी इसकी स्मेल। तो पुप्पो को मेरे ख्याल से गिफ्ट किया था उनकी फ्रेंड ने ना, तो उन्होंने शायद बाय किया है या फ्रेंड ने गिफ्ट किया ना। तो मैं बड़ा पूछ रही थी, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करती हूँ, अगर यकीन करें हैं अगर आप परफ्यूम लवर हैं ना तो आप एक बार ना ये परफ्यूम ज़रूर खरीदें। ऊद मूड है इसका नाम ना, अरब का है मेरे ख्याल से, दुबई का है। हाँ काफ़ी एक्सपेंसिव था, मैंने इसके प्राइस वगैरह चेक किए थे, 200 रिंगिट तक का मिल रहा था। तो इंशाल्लाह मैं भी लूँगी, आप भी लेना। तो यहाँ पे हम माइडीन आए हैं। अच्छा ये माइडीन ये जगह है कि कोई भी मलेशिया आता है ना पाकिस्तानी, कोई पाकिस्तानी ऐसा नहीं है,
अगर कोई मेरा व्लॉग देख रहा है जो मलेशिया के बारे में जानता है, जिसे मायडीन का ना पता हो, मायडीन जो है ना जड़ एक ये इनकी या पाकिस्तानियों को, तो लाजमी इसके बारे में पता होता है पूरी दुनिया में ना। किसी भी पाकिस्तानी ने अगर विज़िट किया हो ना मलेशिया, तो मायडीन के बारे में तो उसको लाजमी पता होता है, क्योंकि सारी जो ग्रॉसरी है ना ज़्यादातर पाकिस्तानी सब यहीं से करते हैं। यहाँ पे आपको पाकिस्तानी मसाले, नेशनल शान के हर चीज़ आपको मिलेगी, ठीक है। और ज़्यादातर तो जो है खान फूड जो है ना, जो केएल में है, वहाँ पे जो मेन अगर आपको कोई यहाँ से भी पाकिस्तानी चीज़ नहीं ना मिल रही, तो वहाँ पे तो आपको लाजमी मिलेगी। तो चिकन टिक्का मसाला वगैरह ख़त्म था, बॉम्बे बिरयानी ख़त्म थी, तो वहाँ से मैं फिर मसाले वगैरह उठा रही थी। और वीडियोस मैंने जो है शॉपिंग करते हुए इतनी नहीं ली, क्योंकि हाथों में सामान वगैरह था, तो मैं फ़ोन फिर जो था ना मेरा बैग में ही था। तो यहीं पर करती हूँ एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।